अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग राइटर 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉडल्स और माइग्रेशंस के बारे में सीखेंगे कि कोडिंग राइटर 4 के अंदर किस तरीके से हम माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं और किस तरीके से फिर हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं और उन मॉडल्स के अंदर हम टेबल्स को यूज़ करते हैं और फिर अपने डाटा को डाटाबेस से किस तरीके से एक्सेस करते हैं थ्रू मॉडल। तो ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग राइटर 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम माइग्रेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वक्त CI4 ऐप के फोल्डर में हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP, क्योंकि आर्टिसन कमांड लारावल के लिए है। कोडिंग राइटर 4 में PHP स्पार्क लिख के मैं लिस्ट लिखूँगा। तो यहाँ पर हमें डेटाबेस से रिलेटेड कोई 5-6 कमांड्स मिलेंगी। ये CLI कमांड्स हैं और इनकी मदद से हम माइग्रेशंस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले हमें DBSeed है कमांड है इसकी डेटाबेस की, मतलब आप लिखेंगे PHP स्पार्क DBSeed। तो ये क्या करेगी कि जो डमी डाटा जो आप ऐड करना चाह रहे हो डेटाबेस के अंदर या डिफ़ॉल्ट एडमन ऐड करना चाह रहे हो तो आप सीडिंग के थ्रू आसानी के साथ उसको डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई डमी डाटा या उसको कहते हैं आप एक और भी वर्ड यूज़ करते हैं लोरम ईप्सम डाटा आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो DB माइग्रेट की कमांड है जो कि हम PHP स्पार्क माइग्रेट की मदद से रन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइग्रेशन फाइल क्रिएटेड होनी चाहिए। अगर आपने मेरा पार्ट 3 इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का देखा हो तो उसमें मैंने स्पार्क और बिल्ड्स कमांड, दो जो CLI कमांड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया था और उसके अलावा हमने अपने एक माइग्रेशन भी क्रिएट की थी जो कि डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन ऐप के अंदर डाटाबेस के अंदर माइग्रेशन के अंदर इस नाम से सेव हुई थी, CI सेशंस के नाम से। तो इसको हमने किस तरीके से क्रिएट किया था, हमने इसको सेशन माइग्रेशन की मदद से क्रिएट किया था। हमने लिखा था PHP स्पार्क सेशन माइग्रेशन और इसने हमें ये वाली माइग्रेशन कमांड क्रिएट करके दे दी। तो इस तरीके से हम खुद भी माइग्रेशन की कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जिनको सिंपली यूज़र यहाँ पर रन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यूज़र को हमने लाइव वेबसाइट करके देनी है, उसका इस CLI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए हमें सबसे पहले माइग्रेशन क्रिएट करनी होगी। तो आप लिख सकते हैं PHP स्पार्क help migrate create। तो ये हमें जो ये जो कमांड है PHP spark help migrate colon create, ये हमें बताएगी कि क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल हम कर सकते हैं इसकी मदद से और इसके जो यूजेज है वो सबसे पहले हम लिखेंगे PHP spark migrate create, फिर हम उस माइग्रेशन को जो भी नाम देना चाहें वो नाम देंगे और उसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर -n के साथ हम उसके माइग्रेशन नेम स्पेस दे सकते हैं, तो इस ऑप्शन को हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो सिंपली मुझे लिखना होगा PHP स्पार्क मैं लिस्ट एक दफ़ा फिर लिख लूँ। सो PHP स्पार्क माइग्रेट क्रिएट और यहाँ पर अब मुझे यूज़र्स का टेबल क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी जो टेबल क्रिएट किया था उसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पर अब PHP स्पार्क माइग्रेट क्रिएट की मदद से मैं यूज़ करूँगा यूज़र्स का यूज़र की माइग्रेशन। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र्स और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो हमें करंट जो भी डेट और टाइम होगी उसके साथ एक यूज़र अंडरस्कोर यूज़र्स के नाम से PHP फाइल जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पर ये उसकी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है ऐप के अंदर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर उसको ये फ़ाइल क्रिएट करके दे दी है। अगर आप -n के साथ जो पाथ डिफाइन करेंगे वहाँ पर वो फ़ाइल सेव होगी। इसके अलावा हम जो है एक सिंपल सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बाद एक छोटा सा ब्लॉगिंग सिस्टम भी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं पोस्ट की भी माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कैटेगरीज़ की भी क्रिएट कर लेता हूँ। सो हमारे पास पोस्ट भी आ गई, कैटेगरीज़ के ये तीन टेबल्स माइग्रेशंस क्रिएट होंगी, इनसे हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर प्रोफाइल्स का भी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम यूज़र की प्रोफाइल्स सेव करेंगे और उसको बाद में अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ माइग्रेशन मैंने क्रिएट की। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखेंगे कि ऐप के अंदर डेटाबेस के अंदर ये सारी माइग्रेशंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। हर माइग्रेशन के दो डिफ़ॉल्ट मेथड हैं जो कि एक्सटेंड हो रहे हैं माइग्रेशन से, एक है अप मेथड और एक है डाउन मेथड। अप मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम माइग्रेशंस को रन करते हैं और चाहते हैं कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएँ
तो उस वक्त अप कमांड रन होती है। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो रोल बैक करे या रिफ्रेश करे, तो दोनों सूरतों में पहले डाउन कमांड रन होती है, डाउन मेथड रन होता है, जो कि उस टेबल या कॉलम जो भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको वो रिमूव करता है। तो इसकी मदद से, रिफ्रेश की मदद से, वो उसको ड्रॉप करके दोबारा क्रिएट करता है माइग्रेशन को, जो लास्ट चेंजेस हैं, और उसके बाद रोल बैक जो है, जो लास्ट आपने माइग्रेशन रन की होती है, उसको वापस ले आता है और उससे जो प्रीवियस माइग्रेशन है उस पर चला जाता है। तो अब बात आती है कि इन माइग्रेशंस को यूज़ कैसे करना है, इन फाइल्स को यूज़ कैसे करना है। तो इन माइग्रेशंस को यूज़ करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर अगर हम माइग्रेशन में आते हैं, तो माइग्रेशन के अंदर ये हमारे पास माइग्रेशन की क्लास है, जिसमें कुछ चीज़ें हमने डिफ़ाइन करनी होती है, जिसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक अप है और एक डाउन है, जो हम इनको ओवरराइड कर सकते हैं, और इसके अलावा डीबी ग्रुप को भी हम अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट है इसका मेथड। सो इसमें हमें कुछ फील्ड्स को ऐड करना होता है, जिसको हम फोर्ज की मदद से रन करते हैं। सो फोर्ज कैसे हम इसको हेल्प, इसकी हेल्प हम स्के सेशन से लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पर एडिड है। उसके बाद यहाँ पर जो माइग्रेशन से एक्सटेंड हो रहा है, तो इसके फंक्शन के अंदर, हेल्प के अंदर हमारे पास एक फोर्ज का मेथड है। अब आप कहेंगे कि ये फोर्ज का मेथड कहाँ से आ रहा है, तो ये फोर्ज का मेथड यहाँ पर अगर हम आएँ, तो ये देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टेड मेथड हमारे पास, सॉरी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, डेटाबेस फोर्ज इंस्टेंस। सो ये हमारे पास एक फोर्ज की क्लास से आ रहा है, और ये हमारे पास फोर्ज की क्लास है, और इसके अंदर यहाँ पर हमारी तमाम डेफिनेशंस जो डेटाबेस की हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ये देखें सारी कमांड्स हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब इन फील्ड्स को सेट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस सेशन टेबल को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके मेथड में, मैं उसको कॉपी करता हूँ और उसको यूज़र्स के टेबल में यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ सॉरी। और इसके डाउन मेथड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यूज़र्स के टेबल में डाउन के मेथड में सेव कर देता हूँ। अब सबसे पहला अपने काम क्या करना है, इसको नाम चेंज करना है। क्रिएट टेबल का जो मेथड है इसको नाम देना है। तो ये यूज़र्स हमने दिया, तो इसका मतलब है डाटाबेस के अंदर टाइम ये क्रिएट करेगा कि यूज़र्स का टेबल। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड की मिलेगी टाइम स्टैम्प। सो ऐड की बाय डिफ़ॉल्ट, जो अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये देखिए ऐड की फोर्ज का मेथड है, और ये क्या लेता है, पहले की लेता है, फिर चेक करता है कि आपने इसको प्राइमरी रखा है या यूनिक रखा है। तो इन दोनों में से आपने जो भी रखा होगा उसको वो अप्लाई कर देगा। अगर दोनों को नहीं रखा तो ना ही वो की यूनिक होगी, ना ही वो की प्राइमरी होगी। जबकि अगर आप देखें तो इसने आईडी को ऐड की, आईडी किया हुआ है और उसको ट्रू किया हुआ है, इट मींस ये हमारी अब एक ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी ऐड की बन जाएगी, जो कि होगी हमारे पास एज अ प्राइमरी की। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऐड फील्ड के मेथड में हम आएँ, सो ऐड फील्ड के अंदर यहाँ पर ये देखिए ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू लिखा हुआ है। सो जैसे ही हम ऐड फील्ड करेंगे और उसके अंदर फील्ड की हम देंगे आईडी, उसकी आईडी देंगे फील्ड इज इक्वल टू आईडी, तो जैसे ही वो ऐड फील्ड के अंदर यहाँ से उसकी टाइप जो है वो नेम जो है एरे में से नेम आईडी उठाएगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं इफ़ इज़ स्ट्रिंग फील्ड एंड इफ़ फील्ड इज इक्वल टू आईडी, तो वो फिर उसको ये वाले फीचर्स ऐड की आईडी ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर एक सी आई सेशन ने एक जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, सबसे पहले उसने इसका टाइप वारचा रखा आईडी का, कंस्ट्रेंट 128 और नल इज इक्वल टू फॉल्स रखा है। तो ये आईडी बेसिकली सेशंस की आईडी होती है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों होते हैं, लेकिन हमारी जो आईडी है वो प्योरली न्यूमेरिक है, मतलब वो जो आईडी है वो ये वाली आईडी है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पर आईडी के साथ इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारी बेसिकली आईडी है, जिसकी टाइप इंट है, कॉन्स्टेंट में लेंथ उसकी 9 होगी और ऑटो इंक्रीमेंट वो ट्रू होगी, और जैसे वो ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू होगी तो साथ ही हम ऐड कर देंगे की को ट्रू। सो इट मींस अब ये हमारी प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट की होगी, इसको हमें बार बार खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक ऐड होगी। अब इसी तरीके से वो कुछ और फील्ड्स भी ऐड कर रहा है जिसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये यूज़र की फील्ड है तो हमें यहाँ पर यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया। फिर इसकी टाइप वारचा है, लेंथ में हम 50 कर देते हैं, कॉन्स्टेंट में इसकी लेंथ जो है वो 50 कर देते हैं, नल फॉल्स है डेफिनेटली। उसके बाद हम ईमेल ले लेते हैं, ईमेल में हम इसको देंगे वारचार ही वारचार। तो ये वारचार जो है ये बेसिकली डेटाबेस टाइप है, जो कि एसक्यूएल के स्टैंडर्ड डेटाबेस टाइप है, वारचार और इंट दोनों।
तो कंस्ट्रेंट इसकी हम 50 रख लेते हैं, अनसाइंड, अब चूंकि ये वाहर चाह रहा है तो अनसाइंड नल जो है वो हम फॉल्स अनसाइंड नहीं रखेंगे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, और डिफ़ॉल्ट में हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि ये नल जो है ये फॉल्स है। उसके बाद ईमेल के बाद हमें इसमें पासवर्ड चाहिए, आप पासवर्ड की भी हम टाइप जो है टेक्स्ट रहने देते हैं क्योंकि पासवर्ड की लेंथ अननोन है, हमें नहीं पता कितनी लेंथ होगी, डिफ़ॉल्ट को उसको ख़त्म कर देते हैं और नल इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। मतलब ये जो यूज़र्स फील्ड है, यूज़र के अंदर यूज़र नेम, ईमेल और ये पासवर्ड, ये तीनों हमें फील्ड्स चाहिए और इन तीनों की मदद से हम यूज़र्स को रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन वाले मॉडल्स के साथ। बाकी हमें टाइम स्टैम्प की यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बल्कि हमें हाँ टाइम स्टैम्प की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और इसके साथ हमारे पास दो फील्ड्स हम और ऐड कर लेते हैं, एक क्रिएटेड एट कि कब ये यूज़र क्रिएट हुआ, और इसकी टाइप हम टाइम स्टैम्प रख देंगे, टाइम स्टैम्प इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो हम डिफ़ॉल्ट जो है वो नाउ कर देते हैं, बल्कि नाउ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट नाउ ये हमने कर दिया। और इसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको अपडेटेड ऐड कर देते हैं, क्रिएटेड एट और टाइम स्टैम्प और इसको अपडेटेड ऐड कर देते हैं, मतलब ये कब इसको अपडेट किया गया। तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये आप फोर्ज की जो सेक्शन है ना डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें जाकर भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन से इसके सेक्शन हैं। अगर यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन में आऊँ यहाँ पर, तो फोर्ज की जो क्लास है उसके अंदर आपको ये तमाम के तमाम सेक्शन भी मिल जाएंगे। तो ये है हमारे पास फोर्ज, में लिखता हूँ इधर, तो ये देखिए डेटाबेस फोर्ज क्लास, तो यहाँ पर ऐड फील्ड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनसाइंड है, डिफ़ॉल्ट नल, ऑटो इंक्रीमेंट टाइप, तो यहाँ पर हमारे पास बेशुमार किस्म की, ये देखें कॉन्स्ट्रेंट्स भी हम इसमें दे सकते हैं कि कौन कौन से इसकी टाइप, चूँकि इनम है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके कॉन्स्ट्रेंट दे रहे हैं कि पोस्ट का स्टेटस। चलिए ये भी मैं ऐड कर देता हूँ, अच्छा हुआ उसने ये बता दिया, कॉपी किया इसको और इसको मैं यहाँ पर यूज़र, नहीं सॉरी वो तो पोस्ट के लिए, यूज़र के लिए तो नहीं है, खैर उसको हम यूज़र्स के लिए ऐड रखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सारी आपको कीज़ वगैरह, एडिंग फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं, लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ड्रॉपिंग अ टेबल ड्रॉप कैसे करते हैं, मॉडिफाई किस तरीके से करते हैं, ऐड कॉलम कैसे करते हैं, तो ये सब की सब जो हैं आपको कमांड्स यहाँ पर मिल जाएंगी। सो ऐड कॉलम, ऐड फील्ड, यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिल गई। तो ये हमारे पास है इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, टाइम स्टैम्प नाउ, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने पहली अपनी माइग्रेशन क्रिएट कर ली, और यहाँ पर भी ड्रॉप के अंदर भी हम लिखेंगे यूज़र्स, मतलब जब ये हम इसको रोल बैक करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो सबसे पहले ये यूज़र्स टेबल रिमूव होगा और फिर उसके बाद दोबारा से ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब इस माइग्रेशन को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल पर दोबारा से आएंगे और मैं लिखूँगा PHP Spark, बल्कि इससे पहले हमें एक और काम करना है, हमें उस डेटाबेस टेबल को रिमूव भी करना है। तो बजाय इसके कि मैं उसको ओपन करूँ SQLite Pro को, मैं माइनस यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ और यूज़ DBCI4 ऐप कर लेते हैं और इसके बाद शो टेबल्स करते हैं। सो ड्रॉप टेबल यूज़र्स, सो यहाँ पर शो टेबल्स करते हैं तो हमारे पास अब एम्प्टी सेट आ रहा है, तो हमने रिमूव कर दिया। तो ये मैंने क्विकली इसको रिमूव कर दिया। अब मैं PHP Spark और माइग्रेट लिखता हूँ यहाँ पर और इसको रन करूँगा जब, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रनिंग ऑल न्यू माइग्रेशन जेसन कॉलम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन नॉट डाटा ब्लॉक टेक्स्ट, ओके सॉरी, यहाँ पर उसने जो इशू दिया वो ये है कि ये जो हमने यूज़ किया टेक्स्ट, तो इसको वो कह रहा है कि ये डाटा कैन नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट कांट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो यहाँ पर वो कह रहा है ब्लॉक टेक्स्ट ज्योमेट्री और जेसन कॉलम्स डिफ़ॉल्ट कहाँ पर और हमने ऐड किया है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, टाइप कंस्ट्रेंट नल फॉल्स, तो आई थिंक वो इनका कह रहा है। इसको मैं यहाँ पर अगर ख़त्म करता हूँ तो मेरे ख्याल में इसी का इशू आ रहा है, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड का। सो हमने इसको टाइम स्टैम्प दे दिया, टाइप टाइम स्टैम्प। अब इसको एक दफ़ा फिर रन करते हैं
तो स्टिल हम कह रहे हैं कि कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर ओके सॉरी आई थिंक ये इसको मुझे नहीं चाहिए था, ये मुझे रिमूव करना चाहिए था। तो माइग्रेट, तो अब ये ठीक हो गया। वो एक्चुअली इशू था इसका डेटाबेस सी आई सेशन का, क्योंकि हम सेशन को तो यूज़ नहीं कर रहे डेटाबेस सेशंस को, तो इसलिए उसको मैंने रिमूव किया। तो ये हमारी जो माइग्रेशन है ये सक्सेसफुली रन हो गई है। और इसको अब मैं अगर यहाँ पर माइग्रेट रोल बैक करता हूँ तो ये वापस रोल बैक हो जाएगी और डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ PHP MySQL माइनस यू रूट, तो यूज़ DBCI फॉर ऐप, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शो टेबल्स, तो उसके अंदर सिर्फ माइग्रेशंस का टेबल है, बाकी और कोई टेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी माइग्रेशन का टेबल ड्रॉप नहीं किया। तो मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। सो ड्रॉप टेबल माइग्रेशंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप माइग्रेशंस को यूज़ करते हैं तो ये टेबल जो है ये रहता है, ये रिमूव नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड की थी डिफ़ॉल्ट नाउ। तो अब इसको दोबारा माइग्रेट करते हैं, तो मैंने उसको ऐड करके दोबारा से माइग्रेट किया। सो कह रहा है इनवैलिड डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर क्रिएटेड ऐड। आई थिंक इसमें हमारे पास डेट डॉट नाउ फंक्शन है, इसने नाउ को क्यों नहीं लिया, लेट मी सी एंड F5। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अज्यूम्ड डेट, एक्सपेक्ट पैरामीटर 1। सो टाइम स्टैम्प को मुझे डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा, मैं इसको टाइम स्टैम्प, तो यहाँ पर मैंने इसको माइग्रेशंस को क्रिएट किया और यहाँ पर टाइम स्टैम्प, जो हमारा हैंडिंग योर टाइम स्टैम्प, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूज सेक्शन और यहाँ पर इसने मॉडल्स क्रिएट किया, तो न्यूज सेक्शन के अंदर क्रिएट न्यू, और ये उसने यूज़ किया माइग्रेशन के बगैर। अच्छा, उसने यहाँ पे माइग्रेशंस यूज़ नहीं की और माइग्रेशंस का सेक्शन उसने टाइम, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि इसमें टाइम स्टैम्प को हम किस तरीके से इसमें, हाँ डेटाबेस माइग्रेशंस में होगा टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प ये आ गया, ये टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, और इसको और कहाँ पे है? सो रेफरेंस इनेबल टेबल, और ये क्लास रेफरेंस, इसमें टाइम स्टैम्प इसमें भी नहीं है। सो फील्ड के अंदर हमारे पास डेट हेल्पर, डेट एंड टाइम, ये है डेट एंड टाइम, इसके अंदर यहाँ पर टाइम डॉट नाउ, और यहाँ पर जो भी आप इसको और इसको मैं अब यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर अमेरिका शिकागो एशिया / कराची कर देता हूँ। और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस माइग्रेशन को दोबारा से रन करता हूँ। ओके, तो अब हमें यहाँ पर टाइम को इंपोर्ट भी करना है, तो यहाँ पर टाइम को इंपोर्ट भी कर लिया और इसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर अब कह रहा है कि शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी, तो ओह सॉरी, यहाँ पर सेमी कॉलन मैंने लगा दिया, ये नहीं था लगाना। ओके, अब चेक करते हैं। सो अब हमारी जो माइग्रेशंस हैं वो सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। ये देखिए, ये वाली माइग्रेशंस भी रन हो चुकी हैं इसके साथ ही, जो पोस्ट कैटेगरीज और प्रोफाइल वाली थी, ये एक्चुअली रन नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इसमें अभी हमने कॉलम्स ऐड ही नहीं किए। सो बाद में हम रोल बैक कर लेंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम, रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी माइग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पर अब अपनी डाटाबेस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
माई एस क्यू एल माइनस यू रूट यूज डी बी सी आई फॉर ऐप और उसके बाद शो टेबल्स करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र्स का टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आई थिंक उसने बाकी टेबल्स इसलिए क्रिएट नहीं किए क्योंकि हमने ऐड की और क्रिएट टेबल वाले मेथड यूज़ ही नहीं किए, तो इस वजह से उसने उनको क्रिएट नहीं किया। तो दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और हमने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिर्फ माइग्रेशंस को डिस्कस किया। आप इसकी डिटेल में देख लीजिएगा कि क्या इसका आउटपुट होता है जब हम कोई भी माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। तो आप बाकी माइग्रेशंस भी क्रिएट कर लीजिएगा, पोस्ट के लिए, कैटेगरीज़ के लिए और प्रोफाइल्स के लिए भी, या फिर मैं इनको क्रिएट करके आपको बता दूंगा कि मैंने इसके क्या क्या कॉलम्स रखे थे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम अपनी माइग्रेशंस को कंप्लीट करेंगे और साथ में मॉडल्स को क्रिएट करके देखेंगे किस तरीके से हम माइग्रेशंस के थ्रू और मॉडल्स के थ्रू डेटाबेस के साथ डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।